which are related to topic. I mean, in second video there will be reading session of book. In third video there will be a test. Okay, and I will also upload the test on my channel, and you have to solve and you have to answer me in the comment section. Okay, so we have so what's the topic? Levels of biological organization. हमारे पास बेटा टॉपिक क्या है? लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. भाई जो बायोलॉजिकल है उसकी ऑर्गेनाइजेशन की लेवल क्या है? ऐसे तो नहीं है पहले डाइजेशन हो गई, बीच में जो है ना कुछ भी ना हुआ. भाई लेवल तो है हर चीज की. बायोलॉजिकल का क्या मतलब है? लाइफ. ठीक है, बायोलॉजिकल मीन्स लाइफ. लाइफ जिंदगी, जिंदगी होगी आपके अंदर, बॉडी के अंदर. ठीक है, बॉडी बनी किसकी होती, मतलब बॉडी आपकी जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि भाई आपकी जो बॉडी है उसमें जो सेल्स वगैरह है वो किस तरीके से अरेंज है. ऐसा तो नहीं कि भाई बॉडी में एक तरफ डाइजेस्टिव सेल पड़ा है, एक तरफ जो है कार्डियक मसल्स पड़े हैं और हमारी बॉडी बन गई. नहीं, हमारी बॉडी बिल्कुल एक पूरे कोऑर्डिनेशन से बनी हुई है. तो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई आपकी बॉडी के अंदर किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है चीजें, किस तरह से चीजें ऑर्गेनाइज होकर आपकी पूरी एक बॉडी बन रही है, किस तरह से. मतलब इसमें पहले कौन सी चीज आती है, फिर कौन सी चीज आती है, ये सब हम जो है इसमें पढ़ेंगे. भाई बॉडी हमारी बनी हुई है मैटर की, ये तो आपको मैं बता दूं. दुनिया में जो भी चीजें हैं सब बेटा किसकी बनी हुई है? मैटर की. सो वी आर अवेयर, मैटर क्या है? कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और बैठ सके. अब हमारा जो मैटर है, मैटर भी कौन सा, लिविंग मैटर या नॉन लिविंग मैटर? हमारी बॉडी जो है वो लिविंग चीजों की बनी हुई है या नॉन लिविंग की? भाई बॉडी बनी हुई है नॉन लिविंग मैटर की भी बनी हुई है, अंदर लिविंग मैटर भी है. तो आपसे कोई पूछे कि भाई आपकी बॉडी मतलब किसकी बनी हुई है, कौन से मैटर की बनी हुई है, उसमें लिविंग मैटर भी है, नॉन लिविंग मैटर मतलब एलिमेंट्स वगैरह वो भी जाहिर बात है. तो मैटर भले लिविंग हो नॉन लिविंग हो, वो किसका बना हुआ है? इट इज कंपोज्ड ऑफ एटम. आपका जो मैटर है बेटा वो किसका बना हुआ है? एटम का. अब एटम किसका बना हुआ है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स. मतलब सब का मतलब जो एटम से छोटा हो, स्मॉलर देन एटम. ठीक है, ओके. सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? जो एटम से छोटे पार्टिकल्स है उससे बना हुआ है एटम. अब एटम से छोटे पार्टिकल्स कौन से हैं? द पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर देन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ठीक है, ये है हमारे पास स्मॉलर देन एटम. ठीक है भाई, एटम बन गया हमारे पास. अच्छा, एटम भी एटम से पहले किसकी एग्जिस्टेंस होती है? एटम खुद होता किसमें? एलिमेंट में. ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि भाई एटम ऐसे फिर रहा है. अगर एक एटम की बात कर रहे हैं, मतलब एटम आपका किसमें होता है? एलिमेंट में. एलिमेंट क्या है? एलिमेंट वो चीज है जो बेटा एक किस्म के एटम की बनी हुई हो. सपोज हमेशा आपको एलिमेंट सिंगुलर मिलेगा, प्लुरल नहीं मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेंगे. कार्बन एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ कार्बन ही एटम होंगे. ऑक्सीजन एलिमेंट है तो सिर्फ ऑक्सीजन ही मतलब उसमें एटम होंगे. बायोलॉजी में
सबसे जो अबंडेंस है, सबसे ज्यादा बॉडी में मिलने वाला जो एलिमेंट है वो है कार्बन, कार्बन एलिमेंट। ओके, कार्बन एलिमेंट इज फाउंड अबंडेंस, अबंडेंस इन बॉडी। कार्बन जो एलिमेंट है बॉडी में अबंडेंस में, ठीक है। अब बॉडी में एलिमेंट्स हैं, बॉडी में जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं उनका नाम क्या है? बॉडी में जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो है बायो एलिमेंट्स। बेटा बॉडी में हमारा 98% ये बायो एलिमेंट्स है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को बनाते हैं। तो वो कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। कहीं कहीं कैल्शियम भी लिखा हुआ है, बिल्कुल कैल्शियम भी जरूरी है, मगर हम अपनी सिंध टेक्स्ट बुक को देखेंगे, सिंध एसटीबी को देख के बुक में जो लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है। कार्बन हमारा, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये तीनों, अच्छा पहले कार्बन हाइड्रोजन को अगर देखें तो बेटा जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो हमें मतलब बना के देते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। और आपका जो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में काम देता है, जो खाना टूटता है उसमें काम देता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारा प्रोटीन्स में हमें मिलता है। सल्फर इनऑर्गेनिक या फास्फोरस, मतलब हर कोई कोई ना कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि भाई ये बायो एलिमेंट्स हैं, ये 98% हमारा बना रहा है बॉडी का। अब 2% और क्या है? 2% हमारी बॉडी में होते हैं मिनरल्स। मिनरल्स हमें नेचुरली अर्थ से मिलते हैं, जब जमीन की माइनिंग होती है तब हमें मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था एटम, एटम पढ़ा, एलिमेंट पढ़ा, बायो एलिमेंट्स पढ़े। एटम से बनता है मॉलिक्यूल, एक एटम से नहीं मॉलिक्यूल बनेगा, एक से ज्यादा एटम हो वो भले सेम हो या डिफरेंट हो, उनसे बेटा आपका क्या बनेगा? मॉलिक्यूल, ठीक है। एटम से आपका बेटा क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। अब आप कहेंगे कि भाई ये कार्बन मॉलिक्यूल है? नो बेटा, कार्बन बिल्कुल मॉलिक्यूल नहीं है। आपके पास एक से ज्यादा अगर एटम है तो वो बेटा क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। जैसे आपके पास है CO, ठीक है, आपके पास बेटा क्या है? CO। एक मिनट बेटा, तो बेटा अब हमारे पास है कि हम क्या पढ़ रहे थे? एलिमेंट, बायो एलिमेंट्स पढ़े, ठीक है। तो अब है एटम का हम पढ़ रहे थे कि भाई एटम भले आपके पास सेम हो, सिमिलर हो, डिसिमिलर हो, एटम से आपका बनता है मॉलिक्यूल। अब आप कहेंगे कि मैम क्या एक कार्बन एटम से मॉलिक्यूल बन जाएगा? नो, एक कार्बन एटम से नहीं मिलेगा। जब आपके पास एक से ज्यादा एटम हो तो आपका बन जाएगा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सपोज करिए कार्बन ऑक्सीजन मैंने बताया, सॉरी एक कार्बन का एक ऑक्सीजन, तो ये बन गया मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड। एक ऑक्सीजन तो मोनोऑक्साइड, जब कार्बन दो ऑक्सीजन से मिलेगा तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? एक गैस भी है मॉलिक्यूल, ये पहले मॉलिक्यूल है फिर गैस, गैस की प्रॉपर्टीज आती है। तो एक से ज्यादा एटम होंगे तो आपका बनेगा मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल के भी टाइप्स हैं, ठीक है, देयर आर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। पहले है, पहले तो हम पढ़ते हैं कि क्या टाइप है। एक मॉलिक्यूल्स होते हैं सिंपल, दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं कंपाउंड। कहीं कहीं लिखा हुआ है एक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनऑर्गेनिक, दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो भी लिखा हुआ, सेम चीज है डिफरेंट एस्पेक्ट में लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है आज तो दो ही चीजें डिस्कस होंगी, एटम और मॉलिक्यूल। कोई बात नहीं है, हम कल ऑर्गेनेल और सेल को
ताकि अगर आगे ये चीजें आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब हमारे पास है कि भाई मॉलिक्यूल के टाइम्स, तो मॉलिक्यूल के आपके पास पहले तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक लेते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपके पास आते हैं सिंपल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं कॉम्प्लेक्स। अब आप कहेंगे कि मिस हमारी बॉडी तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो क्या ये सिंपल? जाहिर बात है, आप कोई घर बनाते हो या फिर ठीक है आप अभी फर्स्ट ईयर क्लास में आए हो, जाहिर बात है पहले आपने नर्सरी पढ़ी होगी, फिर आप केजी, देन 1, 2, 3 एंड सो ऑन। हमेशा पहले छोटी चीज से ही स्टार्टिंग होती है। तो मॉलिक्यूल हमने पढ़ा एटम का कॉम्बिनेशन, मॉलिक्यूल के दो टाइप्स है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वो मॉलिक्यूल है जो सिंपल है, सिंपल को तो छोड़े पहले आपको पता तो चले इनऑर्गेनिक होगा कैसे, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ना, ये बॉन्ड ना। ठीक है बेटा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ना? ठीक है, आपके पास जैसे CO2 है, अब इसमें आपको कार्बन हाइड्रोजन दोनों दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया? इनऑर्गेनिक। H2O है आपके पास, ये भी इनऑर्गेनिक है। और ये बॉन्ड आपको मिलती किसमें? फूड में, और जो आप फूड खाते हो ना वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये आपको किसमें मिलती है? फूड में, और फूड जो आप खाते हो उसमें बेटा क्या होता है, उसमें कौन सी बॉन्ड है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। एनर्जी एटीपी की फॉर्म में, एटीपी एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, वो एटीपी में जल्द कन्वर्ट हो जाता है। मगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हम स्टोर भी कर सकते हैं। ये फूड है। न्यूट्रिएंट में लाजमी नहीं है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, न्यूट्रिएंट वो है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी बॉडी की जरूरत है। जैसे H2O पानी पिया, बॉडी की जरूरत पूरी होगी, मीडियम एक मिल जाता है रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक वो जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो, अब ऑर्गेनिक वो जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो। आपके पास है ना C6H12O6 आ गया, ये आपका ग्लूकोज है, आ गया ना बेटा। तो मॉलिक्यूल के दो टाइप पड़े, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में हमारे पास आते हैं, एक तो आते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, दूसरे आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। अब देखते हैं वो क्या है। ठीक है, ऑर्गेनिक, माइक्रो, मैक्रो। मैक्रो मॉलिक्यूल का दूसरा नाम है पॉलीमर, इनका नाम है मोनोमर। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल का बेटा नाम है पॉलीमर, माइक्रो का नाम है मोनोमर। आपके मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, वो कौन से? सिर्फ तीन कैटेगरीज है, तीन चार कैटेगरीज आपकी बॉडी में मिलती हैं। प्रोटीन, ठीक है बेटा, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ये चार कैटेगरीज हैं जिन्हें आप मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है बेटा, यू हैव फोर कैटेगरीज ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। आपके पास चार कैटेगरीज हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। ये है आपके पॉलीमर। अब
प्रोसेस के थ्रू बनते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है बेटा, तो पॉलीमर्स बने पॉलीमराइजेशन से। पॉलीमर्स बने किससे हैं? मोनोमर्स ही है भाई। आपके जो प्रोटीन्स हैं वो बने किससे हैं? मोनोमर से। मोनोमर भी ऑर्गेनिक है, पॉलीमर भी ऑर्गेनिक ही है जो आप बना रहे हैं अभी, हम जिसे कह रहे हैं। प्रोटीन आपका ऑर्गेनिक है, प्रोटीन जिससे बन रहा है वो भी ऑर्गेनिक है, अमाइनो एसिड जिसे आप कह रहे हैं। प्रोटीन किससे बनता है? अमाइनो एसिड। ठीक है, मतलब जब अमाइनो एसिड स्टार्च मिलते हैं तब आपका प्रोटीन बनता है। अब अमाइनो एसिड किस प्रोसेस से साथ मिलेंगे? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? साथ मिलना, कनेक्ट होना। तो अमाइनो एसिड टू प्रोटीन कौन सा प्रोसेस हो गया? कंडेंसेशन। प्रोटीन टूटा, अमाइनो एसिड बना, हाइड्रोलाइसिस। लिपिड आपका किससे बन रहा है? फैटी एसिड। तो फैटी एसिड हो गए इसके मोनोमर। कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स कौन से हो गए? मोनोसैकेराइड से वो हो गए। न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपके पॉलीमर है और जो जिनसे बनेंगे वो मोनोमर है। तो मोनोमर से पॉलीमर कंडेंसेशन, पॉलीमर टू मोनोमर हाइड्रोलाइसिस, अमाइनो एसिड टू प्रोटीन कंडेंसेशन, प्रोटीन टू अमाइनो एसिड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ये दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका था मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, सिमिलर हो सकते हैं, डिसिमिलर हो सकते हैं। फिर उसमें ऑर्गन, सिंपल कंपाउंड, उसको ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक बोलते हैं पहले, फिर ऑर्गेनिक को कंपाउंड बोलते हैं, इनऑर्गेनिक को सिंपल। कंपाउंड में मैक्रो और माइक्रो दोनों बॉडी के अंदर है। मैक्रो बड़े मॉलिक्यूल, मैक्रो को पॉलीमर, माइक्रो को मोनोमर, पॉलीमर टू मोनोमर, मोनोमर टू पॉलीमर, ये हमने सब पढ़ा है। ठीक है, तो बेटा ये था हमारी दो लेवल्स आज हमने डिस्कस की। ठीक है, एक पॉइंट मिस हो गई, ये कितने एटम वाले मॉलिक्यूल होगा? तीन एटम होंगे CO2 में, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और सबसे अबंडेंस हमें कार्बन मिलता है। एलिमेंट को पढ़ा, अभी बहुत चीजें हैं इस टॉपिक में, मॉलिक्यूल में भी। तो अब कल डिस्कस करेंगे, कल और डिस्कस करेंगे, साथ में हमारी एक टेस्ट भी होगी। तो ये सब चीजें अब कल फिर जो हमारी रह गई है वो कुछ ही है बस, वो डिस्कस करेंगे बेटा इंशाल्लाह। हमारी बायो की क्लास यही खत्म हुई, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, रिलैक्स रहेंगे हम। अगर ज्यादा एक ही दिन में हमने पढ़ लिया ना, सो इट विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ बोर्डसम, बोर्डसम। तो बेटा कल हम डिस्कस करेंगे हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। टेस्ट भी होगी आपकी, जो आज पढ़ रहे हैं बेटा उसकी कल आपकी टेस्ट है। टेस्ट बिल्कुल एक टेस्ट वही मैं कॉन्सेप्चुअली बनाती हूँ, आप लोगों ने कभी देखी नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं सो देयर विल बी अ टेस्ट। ओके, तो उस हिसाब से अब कल फर्दर डिस्कस करेंगे। अब आपकी मैम आपसे बेटा इजाजत लेगी, कल फिर मिलेंगी इसी उम्मीद से। गुड नाइट, टेक केयर एंड लव यू ऑल।